ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि दारू को अंगूर से तैयार किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी बनते हुए देखा है? चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं इंडिया की सबसे बड़ी दारू मेकिंग फैक्ट्री में, जहां आपको दिखाएंगे कि अंगूर से किस तरीके से दारू को तैयार किया जाता है। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, आपको जबरदस्त मजा आएगा। गाइस, दारू बनाने के लिए सबसे पहले अंगूर की गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है। ये जो ट्रक है आप सामने देख रहे हो, पूरा का पूरा खाली कर दिया जाएगा। और ये जो सामने मशीन है, इसका काम है कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से अंगूर को ऊपर लेकर के जाना। तो आप देख सकते हो तीन लोग लगातार अंगूर की पेटियां पलटते जा रहे हैं, और ये जो ट्रक है इसको खाली करने में मात्र 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं। और ये सिलसिला यहाँ पूरे दिन चलता है। पूरे दिन में यहाँ पे बहुत सारे ट्रक आते हैं और इसी तरीके से अंगूर से खाली होते रहते हैं। दो तरीके के अंगूर का यहाँ पर इस्तेमाल होता है जो हम नॉर्मली खाते हैं, एक तो ये सामने जो रखे हैं वो, और एक दूसरे काले जो आते हैं, काले वाले अंगूर, वो भी दारू बनाने के काम आते हैं। तो जैसे ही इन अंगूर को ऊपर ले जाया जाता है, वहां से इन्हें दूसरे पार्ट में मशीन के डाला जाता है जहां पर इसकी सफाई होती है। तो ये जो हिस्सा है मशीन का, इसमें सफाई का काम होता है, और सफाई होने के बाद अंगूर नीचे गिरते हैं। नीचे गिरने के बाद इन्हें क्रश किया जाता है, क्रश करके इसका रस निकाला जाता है वाइन बनाने के लिए। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो रोलर लगा है उसका काम है इसको क्रश करना। सारे के सारे अंगूर साफ होकर नीचे गिरते जा रहे हैं और इनको फिर बाद में यहाँ से रस निकाला जा रहा है। तो आप सामने देख सकते हो ये जो गाड़ी है ये पूरी की पूरी इसी अंगूर से भरी हुई है। इसके अंदर दूसरे रंग का अंगूर नहीं है, क्योंकि जब वाइन बनाई जाती है तो इस बात का खास ध्यान रखा जाता है दोनों तरह के अंगूर आपस में मिक्स ना हो। तो पूरी की पूरी गाड़ी एक ही रंग की होती है और एक साथ यहाँ पर एक ही कलर के अंगूर डाले जाते हैं। तो जैसे ही ये गाड़ी खाली हो जाएगी, फिर इसको थोड़ी देर के लिए मशीन को रोका जाएगा, फिर दूसरे रंग के अंगूर लाए जाएंगे, फिर उसका यहाँ पर काम शुरू होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। उसके बाद में यहाँ पर कूड़ा निकलता है, अंगूर के जो गुच्छे होते हैं उस गुच्छे में जो डाली जैसी होती है उसको निकाल करके मशीन एक तरफ फेंक देती है। उसके बाद में ये जो रस है इस पाइप की हेल्प से दूसरी मशीनों में ले आया जाता है। ये देख सकते हो सामने बड़ी बड़ी मशीनें हैं जहाँ पर ये जो रस पाइप के थ्रू अंदर, आप देख सकते हो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रस ले जाया जा रहा है। ये सामने बड़ी सी मशीन है इसके अंदर, जहाँ पर इसमें वाइन बनाई जाएगी। आप देख सकते हो कितना सारा रस लगातार इस मशीन के अंदर भरा जा रहा है। और ये वो टैंक है जहाँ पर रस को स्टोर किया जाता है। एक साल तक इस रस को स्टोर किया जाएगा, तब इसमें से वाइन प्रोसेस की जाएगी, तब जाके जो वाइन मार्केट में जाती है। और वाइन फिर स्टोर जो की जाती है ड्रम के अंदर, वहां से निकाल के लकड़ियों के ड्रम में डाला जाता है। और इसके अंदर बहुत सारे केमिकल और एल्कोहल को मिक्स किया जाता है। एल्कोहल मिक्स करने के बाद ये लकड़ी के ड्रम में डाला जाता है। वाइन जो बनती है उसको हमेशा लकड़ी के ड्रम में ही तैयार किया जाता है, क्योंकि जिससे कि उसमें कोई किसी तरह की गंध ना आए, जो एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ उसके अंदर ऐड ना हो। और सब पे डेट डाली जाती है, सारे ड्रम पे नंबर डले हुए हैं, डेट डली हुई है। और ये जो जगह होती है इसको काफ़ी ठंडा रखा जाता है। अगर आप इसके अंदर कभी घुसेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बर्फ की किसी जगह पर आ गए हैं। और इनको 22 महीने तक स्टोर किया जाता है लकड़ियों के ड्रम में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हजारों ड्रम और सारे के सारे ड्रम वाइन से भरे हुए हैं, और अभी इनको स्टोर किया जाएगा 22 महीने तक, उसके बाद मार्केट में ले जाया जाएगा। तो गाइस, ड्रम में दारू तैयार होने के बाद में बोतलों में रिफिल कर दी जाती है। आप देख सकते हो सामने बहुत सारी बोतलें रखी हुई हैं जिनके अंदर वाइन रखी हुई है। ये वाइन मार्केट में जाने के लिए एकदम तैयार है। अगर आप नासिक आते हैं तो सुला वाइन से यार्ड किसी से भी पता कर सकते हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री वाइन बनाने की। और यहाँ पर कोई भी आ सकता है, अंदर आप घूमने आ सकते हो, जिसके लिए आपको 600 रुपये का टोकन लेना पड़ेगा। उस टोकन में आपको एक गाइड मिलेगा जो आपकी पूरी फैक्ट्री को दिखाएगा और उसके बारे में बताएगा, और साथ ही आप वाइन टेस्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस, वाइन यहाँ पर आ चुकी, लोगों को टेस्ट कराई जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आपको अनलिमिटेड पिलाई जाएगी, यहाँ पर सिर्फ टेस्ट कराई जाती है। जितनी तरह की वाइन रहती है सब में से थोड़ी थोड़ी वाइन पिलाई जाती है। तो ये जो इनकी 6 तरह की बोतलें आ चुकी हैं, सारी की सारी लोगों को थोड़ी थोड़ी पिलाई जाएंगी। 600 रुपये में 200 रुपये गाइड की फीस होती है, 400 रुपये की वाइन मिलती है, लिमिटेड पिलाई जाती है सिर्फ टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर कूपन कलेक्ट करना शुरू कर दिया है और गिलास लगाने शुरू कर दिए हैं। ये जो गिलास है इसके अंदर आपको थोड़ी सी क्वांटिटी दी जाएगी, तो जितने भी यहाँ पर लोग घूमने वाले हैं सबके लिए सबसे पहले यहाँ पर गिलास लगाए जा रहे हैं। वाइन हमारी फाइनली तैयार होकर के आ चुकी है, आप घूमना चाहो तो घूम सकते हो इस जगह को। और अब इसके अंदर वाइन पलटनी शुरू कर दी, तो आप क्वांटिटी देख सकते हो इतनी सारी डाली गई है, बस क्योंकि सिर्फ टेस्ट कराया जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।